बिहार में तकरीबन दो तिहाई सीटों पर मतदान हो चुका है। दोनों फेज को मिला दें तो 165 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर किस बात पर बिहार के मतदाता वोट डाल रहे हैं, विकास पर, राष्ट्रवाद पर या फिर जातिवाद पर। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर उतरकर वोटर्स से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की। आप ये रिपोर्ट देखिए और आप समझेंगे कि बिहार के वोटर के मन में क्या है। दूसरे चरण के 1450 से अधिक कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। आज बिहार की जनता जनार्दन पहले चरण के लिए वोट का बटन दबा चुकी है। उनके जनादेश से ही तय होना है नीतीश कुमार सीएम हाउस में बने रहेंगे या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश होगा। आज बिहार के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई। पश्चिम चंपारण की 2 सीट, पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1 सीट, सीतामढ़ी की 3 सीट, मधुबनी की 4, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की 5-5 सीट, गोपालगंज की 6 सीट, सिवान की 8 सीट, सारण की 10 सीट, वैशाली की 6 सीट, समस्तीपुर की 5 सीट, बेगूसराय की 7 सीट, खगड़िया की 4 सीट, भागलपुर की 5, नालंदा की 7 और पटना की 9 सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों में चुनाव का हाल जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर मौजूद रहे। शुरुआत महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के राधोपुर विधानसभा सीट से। क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या दिमाग में है? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? पूरा मुद्दा ही मुद्दा है, मतलब कुछ विकास है ही नहीं। खाली हम लोग के हर हाल में इस बार सरकार को बदलना है और बेरोजगारी से मुक्ति पाना है। और हम लोग 15 साल इनका भी देख लिया, फिर नया चेहरा हमको चाहिए। ये अगर हम राघोपुर की बात करें तो यहाँ का लोग क्या, यहाँ के लोगों को क्या चाहिए? सड़कें हम देख रहे हैं, कच्ची सड़क है, किसानी पर आधारित है। हम लोग का मेन पेशा है जानवर रखना और दूध बेचना, और दूध वाला को लाठी से नीतीश कुमार मार के भगा है, तो उनको भी हम लोग भगाने का काम। आपका क्या नाम है? मंजीत राय। मंजीत जी, इस बार क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या दिमाग में है? हर बार की तरह मुद्दा वही, विकास या इस बार अलग? इस बार सरकार बदलना है। हाँ। तो क्यों बदलना है, क्या नहीं लग रहा है? पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ। इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार रोजगार 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 सारी पार्टियां कर रही हैं, उन पर यकीन हो रहा है? यकीन हो रहा है कि रोजगार मिलेगा, हम लोग आशा है। हाँ। आपका क्या नाम है? हाकिम जी, इस बार आप क्या सोचकर वोट करने आए हैं? इस बार राघोपुर, आप राघोपुर के रहने वाले, यहाँ का वोटर क्या सोचकर वोट कर रहा है? पूरे बिहार को सोचकर वोट कर रहा है, राघोपुर को बदलना चाह रहे हैं? मुद्दा क्या है, क्या सोचकर? मुद्दा की 5 साल से कुछ नहीं हुआ है, इसलिए बदलना चाहते हैं। युवा है, युवा का मुद्दा क्या है? तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार। नहीं, मुद्दा क्या है इस बार? नाम नहीं बता रहे किसको वोट कर रहा है, आपका मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? वोट दे रहा है कि कुछ वोट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनसे कि क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, नौकरी उकड़ी सब, यही सब के लिए वोट दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, राघोपुर के रहने वाले हैं आप, कितने साल से आ रहे हैं? जन्म से यही है। कितना बदलता देखा राघोपुर? बहुत बदल गया। कुछ सालों में बदला? ये तो नहीं बदला। और क्या उम्मीद है राघोपुर के लिए? अबड़ी उम्मीद है कि बदल जाएगा, विकास होगा। आपके लिए क्या मुद्दा? बदल जाएगा। राधेराज जी, आपका क्या सोचना है, क्या मुद्दा है इस बार, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि अब तेजस्वी की सरकार बनाने जा रहा है। नहीं, वोट इसका मुद्दा क्या है, क्या सोचा है इस बार? इस पर नौकरी उकड़ी मिल लोग देंगे अपना, ये सब कारखाना में यहाँ लोग बोले कि तेजस्वी की हम देंगे ही अपना बिहार में अपना इनको। बिल्कुल, लोगों से हमने बात की है, लोगों का यही कहना है कि इस बार विकास का मुद्दा मुख्य है, रोजगार का मुद्दा। जिस तरह पार्टियां लगातार कह रही हैं कि रोजगार मिलेगा, इतना रोजगार देंगे, तो लोगों के दिमाग में वो बातें भी हैं और कतार जो है वो लंबी लगी हुई है। जब तक बड़े शहरों में लोग नींद से जाग रहे होते हैं, तब तक राधेपुर में पोलिंग बूथ के बाहर सैकड़ों वोटर्स लाइन लगा चुके थे। इसमें बड़ी तादाद महिलाओं की दिखी। राधेपुर में मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने महिला वोटर्स से बात की। तेजस्वी यादव यहां से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव वीआईपी सीट है ये, पिछली बार भी यहां से विधायक बने थे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत का फैसला यहां के लोगों के हाथ में है। क्या यहां के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव को दोबारा विधायक बनाना चाहते हैं, या फिर इस बार बदलाव चाहते हैं, या इस बार सिर्फ राघोपुर को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं? तमाम जो महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता जी, क्या सोचकर मतदान करने आई हैं, क्या दिमाग में है, क्या मुद्दा है?
हम तो यही सोच के आए कि भाई तेजस्वी को जिताना है। नहीं, इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का दिमाग में? नाम नहीं बताना है कि इसको जिताना है, लेकिन क्या सोचा है? यही सोचा है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे तेजस्वी को, तन मन से हम। इस बार क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? बदलाव जो पहले से चल रहा है वही रखना चाह रहे हैं या बदलाव करना? बदलना चाहते हैं, बदलाव सरकार को बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं आप? आपका क्या नाम है? रेखा देवी। रेखा जी, इस बार आप क्या चाहती हैं, बदलाव चाहती हैं या फिर जो चल रहा है वही चलने दें, वही ठीक है? वही चले, वही चल रहा है, बरकरार रखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? चंदा देवी। चंदा देवी, चंदा जी, इस बार आप क्या सोच रही हैं? दिमाग में मुद्दा क्या है? विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या सोचा है? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो इस बार जो चल रहा है इतने सालों से सरकार चल रहा है वही चलने देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। इस बार आप बदलाव चाहते हैं, तो लोगों के मन में कुछ कह रहे हैं बदलाव चाहते हैं, कुछ कह रहे हैं कि वही जो चल रहा है वही चलने देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? सुमित्रा जी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि बदलाव चाह रहे हैं, कोई कह रहा है जो चल रहा है वही चलने दें, आपका क्या मानना है? आप इतने सालों से मतदान भी दे रही हैं, सरकारें भी देख रही हैं, क्या सोच रही हैं इस बार? सोच रहे हैं बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जो मुद्दे हैं इस बार क्या क्या क्या, क्या सोच कर आई है कि इस बार जो पार्टी विकास दे रही है या रोजगार दे रही है उसको वोट देंगे? किसको, क्या सोच रहे हैं, कौन सा मुद्दा है? सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू देवी, मंजू जी, इस बार आप क्या सोच रही हैं, क्या है दिमाग में, क्या मुद्दा लेकर चल रही हैं? हम लोग सोचे हैं कि हमारी सरकार बदलना चाहिए, हम लोग के तेजस्वी चाहिए, बदलाव चाहते हैं। आपका क्या नाम है? हम तो वही चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हाँ। और आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है इस बार? आपको दिख रहा है कि ये राघोपुर का कुछ विकास हुआ पिछले कुछ साल में? नहीं, कुछ हाँ? हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ। आप चाहते हैं कि जो नया है वो बदलाव? हाँ, नया, हाँ नया हो। राधोपुर विधानसभा सीट की गिनती बिहार के वीवीआईपी सीट में होती है। राधोपुर विधानसभा सीट लालू परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों का है और दूसरे नंबर पर यहाँ रघुवंशी हैं। राधोपुर में यादव वोटर की तादाद 60% से भी अधिक है। ऐसे में यादव वोट जिसके साथ हो उसकी बात बन जाती है। राधोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी से सतीश कुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 10 साल पहले साल 2010 की विधानसभा चुनाव में यहां लालू यादव की पत्नी और तेजस्वी की मां राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी। हराने वाले सतीश कुमार यादव ही थे जो इस बार तेजस्वी से लोहा ले रहे हैं। करीब डेढ़ दशक तक लालू यादव और राबड़ी देवी यहां से विधायक रहे हैं, यानी बिहार के सीएम का विधानसभा क्षेत्र रहा है। बावजूद इसके इलाकों की आबादी आज भी इस पीपा के टेम्पररी पुल से ही नदी पार करने को मजबूर है, वो भी साल के सिर्फ 6 महीने। बाकी के महीनों में नाव के भरोसे ही इनका बेड़ा पार होता है। ये लालू प्रसाद यादव के परिवार का गढ़ है। दो बार लालू प्रसाद यादव यहाँ से विधायक रहे हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी एक बार यहाँ से विधायक रही है, और पिछले 5 साल से उनके बेटे तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं, और इस बार तेजस्वी यादव यहीं से फिर से मैदान में उतरे हैं। लेकिन इसी राघोपुर में जाने के लिए एक ढंग का पुल तक नहीं बना हुआ है। जो पुल बना है ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पीपा पुल बना हुआ है। पीपा पुल दरअसल एक टेम्परेरी तरह का पुल माना जाता है, एक पक्का पुल तो है लेकिन एक सही ऐसा पुल नहीं है जिसे पूरे साल इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन राधोपुर का दूसरा सच ये भी है कि जातिवाद यहाँ घर घर में नहीं बल्कि लोगों की रग रग में बसा है, और आंखों पर जातिवाद का ही सियासी चश्मा चढ़ा है। क्या नाम है भाई आपका? राम जी। राम जी, ये पिछले 5 साल में विकास हुआ लग रहा है कि राघोपुर में कुछ काम हुआ या फिर अभी बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं, बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस बार? कौन सीएम बने? तेजस्वी। तेजस्वी सीएम बने, लेकिन तेजस्वी जी तो खुद यहाँ से हैं। विकास हुआ है यहाँ पे? विकास हुआ है। हाँ, पहले रोड फोड तो था ना? रोड फोड कुछ नहीं था पहले। अच्छा। सब वही बनवाए 5 साल में बना है। हाँ। हाँ। इस बार चाह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम। हाँ। नीतीश जी से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। आपका क्या नाम है? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर जी, क्या चाह रहे हैं इस बार, किसको सीएम बनाना चाहते हैं, किसकी लहर है? तेजस्वी जी का है, सब तेजस्वी जी का। ये लालू जी का गढ़ है, ये लालू जी यहाँ से विधायक रहे, राबड़ी जी रही, तेजस्वी जी रहे, तो इतने सालों में काम उन्हीं सब किए हैं, लैन तैन रोड फोड सब वही किए हैं, पुल में भी उनके हाथ है। और नहीं चाहते हैं कि और विकास हो? और विकास करने के लिए बोले हैं और वादा भी किए हैं। सीएम
मना रहे हैं, किसकी लहर है इस बार दागोपुर में? सीएम तो तेजस्वी है। तेजस्वी सीएम है, क्यों नीतीश नहीं लग रहे हैं? ना नीतीश की नहीं, तो जंगल आज बनाए हुए बिहार को। तो ये क्या लालू जी का गढ़ है इसलिए तेजस्वी या फिर? नहीं, यहाँ पर विकास हुआ है, अच्छा काम किए हैं लालू यादव, बोलो ना, वही से वोट मिल रहा है। पुल तो पर बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। 6 महीने चलता है ना जनता, 6 महीना बंद होता है। 6 महीना कैसे काम चलता है? 6 महीना नाव से। सेकेंड फेज का इलेक्शन बिहार में सीएम के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाला है। तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या फिर सीएम का सपना सपना ही रह जाएगा, ये काफी हद तक पहले दोनों फेज के चुनावी नतीजों से तय होना है। आज हुए दूसरे चरण के चुनाव में एनडीए से बीजेपी के 45 उम्मीदवार, जेडीयू के 43 उम्मीदवार और वीआईपी के 6 प्रत्याशी का फैसला पब्लिक ने कर दिया है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी के 56, कांग्रेस के 24 उम्मीदवार सेकेंड राउंड में है, तो सीपीआईएमएल के 6, सीपीएम और सीपीआई के 4-4 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पटना को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कहा भी जाता है कि पूरे बिहार में बीजेपी राजधानी पटना में ही सबसे ज्यादा मजबूत दिखती रही है। पटना जिले में पड़ने वाली कुम्हरार सीट पर संवाददाता नीतीश चंद्र ने वोटरों का मिजाज जाना। हम इस वक्त कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर एक साथ 8 मतदान केंद्र हैं। लोगों से बात करते हैं जो वोट डालकर लौट रहे हैं। देखिए काफी संख्या में लोग, ये बताइए क्या वोट डाल दिया आपने? हाँ बिल्कुल। क्या इस बार बदलाव का मूड है बरकरार? बदलाव का तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार सीएम बन जाएंगे लगता तो है, अब जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कुछ फॉरश्योर नहीं कहा जा सकता है। आपने वोट दिया? जी हम वोट तो दे दिया। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, बदलाव का मूड है या जो कुछ चल रहा है वैसा ही चल रहा है? उन लोगों का लड़ाई तो टक्कर का है, लेकिन बदलाव करने से तो कोई खास फायदा है नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में बहुत भीड़ आ रही है? भीड़ तो आम पब्लिक है और कोई देखने के लिए भी आता है, जैसे हम ही है, हम किसी भी सभा में नहीं गए हैं, इसका मतलब कि हम वोट नहीं दे सकते हैं। आपने वोट दे दिया? जी सर मैंने वोट दे दिया। लग रहा है इस बार? इस बार तो नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को कुछ अलग सोचना होगा युवा के लिए और रोजगार के लिए और जो भी जॉब्स। एंटी इनकमेंसी है सरकार के खिलाफ? ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, जो है सो मतलब नीतीश कुमार को ही मिलेगा। नीतीश कुमार फिर से सीएम बन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार सीएम? हाँ फिर से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और बिहार में फिर से शांति अमन का सरकार बनेगा। कुम्हरार में बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा और आरजेडी के धर्मेंद्र चंद्रवंशी की टक्कर है। कुम्हरार में महिला वोटरों ने किस आधार पर वोटिंग की, इसे जानने के लिए नीतीश चंद्र ने वोट डालकर बाहर आई महिलाओं से डायरेक्ट बात की। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार महिलाओं के मन में क्या है इसकी सरकार? महिलाओं के मन में अब कुछ बदलाव। हाँ इस बार सत्ता परिवर्तन होगा आपको लग रहा है? हाँ हो सकती है। किससे उम्मीद है, तेजस्वी यादव से उम्मीद है? फिलहाल तो उन्हीं से उम्मीद है। अच्छा नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। हाँ नहीं, नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे? हाँ। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस बार, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि बहुत देश के लिए बहुत किया कर रहे हैं। सब कुछ खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो परिवर्तन नहीं होगा इस बार? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, जो चला रहा है वही चलेगा। तो गरीब आदमी को कितना किया मोदी सरकार, बदलने का चांस तो वैसे कम लग रहा है। अच्छा यानी जो सरकार चल रही वही चलती रहेगी, महिलाएं खुश हैं सरकार से? महिलाओं का वैसा तो कुछ ओपिनियन हमको नहीं पता, हम अपना ही ओपिनियन बता सकते हैं।